साल 2020 में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना अब धीरे धीरे बीजेपी के गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल तत्कालीन हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2020 में इस योजना को बड़ी उम्मीदों और तमाम वादों के साथ शुरू किया था। इस स्कीम के तहत हरियाणा में 54 लाख परिवारों को 8 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर मिलना था। सभी परिवारों के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही राज्य कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि कुछ हद तक खट्टर सरकार इस स्कीम को लागू करने में सफल तो रही, लेकिन देखते ही देखते इस स्कीम का विरोध शुरू हो गया और इस स्कीम को लेकर तमाम तरह की शिकायतें भी सामने आने लगी। वहीं शुरुआत से ही ये स्कीम विवादों में घिरी रही। कांग्रेस ने भी इस स्कीम को परमानेंट परेशानी पत्र करार दिया था। कांग्रेस ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 2023 में वादा किया था कि अगर इस साल के अंत में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में आई तो इस योजना को खत्म कर देगी। वहीं इस कार्ड ने आम लोगों को भी काफी समस्याएं पैदा की हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चलता है कि एक कार्ड पाने के लिए कम से कम 25 कॉलम भरने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम आधार कार्ड का था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, फिर राज्य आधार नंबर कैसे मांग सकता है। एक अन्य कॉलम में जाति पूछी गई थी, जिस पर भी बाद में काफी बवाल हुआ था। वहीं कई स्थानीयों का भी कहना था कि कार्ड बनाते समय सालाना कमाई से लेकर जाति लिखने तक में तमाम गलतियां कर दी जाती हैं, जिसके कारण आम व्यक्ति को बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।